हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 केमिस्ट्री। लास्ट टाइम पे मैंने आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का थर्ड स्टेप पे हम थे। थर्ड स्टेप था क्या? एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेशन ओर। सेकंड स्टेप में जैसे हमने इम्प्योरिटीज अलग करी थी, कंसंट्रेशन ओर मिला था हमको। थर्ड स्टेप में हमने उस कंसंट्रेशन ओर को यूज़ करना है एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल, क्रूड मेटल को निकालने के लिए। अब क्रूड मेटल क्या होता है? क्रूड मेटल क्या है कि उसमें हमें मेटल का 97-98% प्योर मेटल हमें मिल जाता है जो हम उसे प्योरीफाई करते हैं। तो इसमें दो स्टेप मैंने आपको लिखाए थे, कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर टू इट्स ऑक्साइड फॉर्म, यानी कि कंसनट्रेटेड ओर को उसके ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना, दिस इज ऑक्सीडेशन। और सेकेंड था कन्वर्जन ऑफ द ऑक्साइड, जब ऑक्साइड में वो कन्वर्ट हो जाएंगे फिर मेटल में कन्वर्ट करना, ठीक है, वो रिडक्शन होगा। तो फर्स्ट स्टेप में कन्वर्जन ऑफ द कंसनट्रेटेड ओर इट्स ऑक्साइड फॉर्म, कंसनट्रेटेड ओर को ऑक्साइड में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो मैंने दो प्रोसेस आपको बताई थी, कैल्सिनेशन और एक रोस्टिंग। कैल्सिनेशन आपको मैंने कल ही बता दिया था कि कैल्सिनेशन एक हीटिंग प्रोसेस है ऑफ द ओर स्ट्रांगली बिलोज, जिसमें हम हीट कब करते हैं, उसके जो मेटल उसमें प्रेजेंट है उसके बिलो द टेम्परेचर, ठीक है, उसके जो मेटल प्रेजेंट है उसका मेल्टिंग पॉइंट से नीचे उसको हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में। तो मॉइस्चर रिमूव हो रहा था, वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज रिमूव हो रही थी। मेनली हम जो कैल्सिनेशन है वो यूज़ करते हैं हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट्स के लिए टू फॉर्म द ऑक्साइड्स। सेकेंड था रोस्टिंग। रोस्टिंग इज द प्रोसेस, ये भी हीटिंग प्रोसेस ही है, बट कैल्सिनेशन से डिफरेंट कैसे, ये है प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में है, ये भी हीटिंग प्रोसेस है, इसको भी हीट करना है बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल, मेटल की मेल्टिंग पॉइंट से नीचे उसको हीट करना है। तो रोस्टिंग क्या है? रोस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर, जो कंसनट्रेटेड ओर हमें मिला सेकेंड प्रोसेस के बाद, उस कंसनट्रेटेड ओर को स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में हीट करना है एट अ टेम्परेचर, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल, जो मेटल उस ओर में प्रेजेंट है उसके मेल्टिंग पॉइंट से बिलो नीचे। अगर हमने उसको उसके मेल्टिंग पॉइंट से अबव हीट कर दिया तो जो हमारी मेटल है वो भी मेल्ट हो जाएगी, तो फिर हमारा प्योरीफिकेशन का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। दिस मेथड इज़ एम्प्लॉयड फॉर सल्फाइड ओर, जो रोस्टिंग मेथड है वो किस ओर के लिए होता है यूज़, सल्फाइड ओर के लिए, जबकि कैल्सिनेशन होता है कार्बोनेट्स और हाइड्रोक्साइड के लिए। तो सल्फाइड अगर ओर है तो आपके लिए उसको रोस्टिंग करनी पड़ेगी, रोस्टिंग से वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। ड्यूरिंग रोस्टिंग, जब रोस्टिंग हम कराएंगे, ये भी हमारा रेवरबरेटरी फर्नेस में ही कराया जाता है, जैसे हमने कैल्सिनेशन, मैंने आपको पहले बताया कैल्सिनेशन हो चाहे रोस्टिंग है, दोनों के दोनों रेवरबरेटरी फर्नेस में ही, ये एपरेटस है, हीटिंग एपरेटस है, इसमें हीट किया जाता है, उसी में एपरेटस में ही कराया जाएगा रेवरबरेटरी फर्नेस में। ड्यूरिंग रोस्टिंग, रोस्टिंग के टाइम होगा क्या? कैल्सिनेशन में जैसे मॉइस्चर रिमूव हो रहा था, हीटिंग प्रोसेस थी, सेम यहाँ पर भी रोस्टिंग के टाइम मॉइस्चर इज़ रिमूव, मॉइस्चर रिमूव होगा, क्यों होगा? क्योंकि कंसनट्रेटेड ओर में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसमें वाटर वॉशिंग मेथड से हम करते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड करते हैं, तो उसमें हमारा मॉइस्चर रह जाता है। तो जब हम रोस्टिंग करेंगे तो मॉइस्चर इज़ रिमूव्ड। सेकेंड, वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ आर रिमूव्ड, जो वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ है मतलब जो वेपराइज हो जाती हैं हीट करने पर, वो इम्प्योरिटीज़ रिमूव होंगी। जब वो रिमूव होंगी तो ओर जो होगा हमारा कंसनट्रेटेड ओर बिकम पोरस, जो कि वो जहाँ से जिस ओर से निकलेंगी, सरफेस से निकलेंगी, सरफेस से निकलते टाइम तो वो होल करती हुई छेद बना देंगी उस सरफेस पर, तो हमारा जो ओर है वो कैसा हो जाता है, पोरस हो जाता है। थर्ड वन इज द सल्फाइड ओर इज़ कन्वर्टेड टू ऑक्साइड। सल्फाइड ओर के लिए हम ये मेथड यूज़ कर रहे हैं तो वो किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्साइड में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ZnS प्लस CO2, ये जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड की हम जब हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के साथ वो रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन उससे कंबाइंड होकर जिंक ऑक्साइड बनाता है, 2ZnO प्लस 2SO2, SO2 गैस इसमें रिमूव होती है इन द रोस्टिंग प्रोसेस में। सेम ऐसे ही लेड सल्फाइड के केस में, लेड सल्फाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर वी हीट टू फॉर्म द लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड बनेगा और SO2 रिमूव, XO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। द SO2 जो हमने देखा कि इसमें दोनों केस में क्या, कौन सी गैस हमारी रिमूव हो रही है, द SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड किस लिए यूटिलाइज की जा सकती है, H2SO4 के मैन्युफैक्चर के लिए। तो SO2 प्रोड्यूस इज यूटिलाइज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या फिर H2SO4। नेक्स्ट है सेल्फ रिडक्शन रिएक्शन इन रोस्टिंग। रोस्टिंग में सेल्फ रिडक्शन रिएक्शन भी होती है कुछ केस में, बट जब हमारा जो सल्फाइड ओर हो वो एक्सेस में हो तब ये रिडक्शन रिएक्शन सेल्फ रिडक्शन होता है।
क्या होता है ये, द रिडक्शन इन विच स्पीशीज़ रिएक्ट विद इट सेल्फ, रिडक्शन वो रिडक्शन जिसमें स्पीशीज़ अपने आप से ही रिएक्ट करके रिडक्शन कर देती है टू फॉर्म द न्यू स्पीशीज, नई स्पीशीज़ बनाती है, उसको हम सेल्फ रिडक्शन बोलते हैं। सपोज इसे फॉर एग्जाम्पल नीचे दिया है कि एच जी एस जो हमारा मर्करी सल्फाइड है, मर्क्यूरस सल्फाइड, ये ऑक्सीजन के साथ, अब रोस्टिंग में हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जब हम इसे हीट करेंगे तो क्या बनाएगा ये, मर्करी ऑक्साइड बनाएगा, मर्क्यूरस ऑक्साइड, एच जी ओ प्लस एस ओ टू, और एस ओ टू हमारी गैस निकलेगी। फिर से जो ये एच जी ओ और एस ओ टू है, इसमें से जो एच जी ओ है ये ऑक्साइड वाला पार्ट, ये हमारे एच जी एस जो हमारे रिएक्टेंट में हमने एच जी एस रिएक्ट किया क्योंकि ये एक्सिस में होता है, इसके साथ रिएक्ट करके इसको इसका रिडक्शन कर देता है, रिड्यूस होकर बनाएगा क्या, एच जी मेटल टू फॉर्म द एस ओ टू गैस फिर निकलेगी। ठीक है, इसे बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन मतलब एच जी ओ जो है वो एच जी एस से ही बना था, फिर एच जी ओ ने फिर उसी एच जी एस के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया, एच जी मेटल, मैंने खुद ही अपना रिडक्शन किया है उसने। अनदर एग्जाम्पल सी यू टू एस, क्यूप्रस सल्फाइड है ये, क्यूप्रस सल्फाइड रिएक्ट विद एयर यानी ओ टू एट हाई टेम्परेचर, बिलो द टेम्परेचर ऑफ द मेटल इन प्रेजेंस इन द ओर, ओर में जो भी मेटल प्रेजेंट है उसके बिलो ही इसको हीट करेंगे हम, तो जब हीट करते हैं तो ये क्या बनाएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड बनाएगा, सी यू टू ओ प्लस एस ओ टू, एस ओ टू रिमूव, ये तो सिंपल है जैसे हमारा रोस्टिंग प्रोसेस है। बट ये सेल्फ रिडक्शन क्या हुआ, सेल्फ रिडक्शन में क्या होता है, जब ये सी यू टू एस एक्सिस में होता है इन द उसी ओर में प्रेजेंट होता है, तो जो सी यू टू ओ बनेगा क्यूप्रस ऑक्साइड, ये उसी सी यू टू ओ एस के साथ रिएक्ट करके अपना ही रिडक्शन कर देते हैं, तो क्या फॉर्म होगा, सी यू मेटल, मेटल फॉर्म हो जाएगा और एस ओ टू उसकी सरफेस पर ऐसे ही वेपराइज होती रहेगी एस ओ टू। तो ये जो सी यू टू ओ फॉर्म हुआ है, कॉपर हैविंग ब्लिस्टर ऑफ एस ओ टू, कॉपर के ऊपर एस ओ टू की क्या होंगे, गैस के ब्लिस्टर होंगे, ठीक है, उसी को बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर, यानी एस ओ टू गैस उसके ऊपर एक तरीके से उसका बादल टाइप का होगा, तो उसे हम बोल दे रहे हैं ब्लिस्टर कॉपर। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लक्स, एंड व्हाट इज फ्लक्स, जब हमने ये प्रोसेस करवा दी, कौन सी वाली प्रोसेस, ऑक्सीडेशन वाली, ठीक है, चाहे वो कार्बोनेट का हो, कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड या फिर सल्फाइड का, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बाद अगर हमारे ओर में कोई नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़ रह गई हों, उन नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़ को हम फ्लक्स जब ऐड करते हैं तो वो रिमूव हो जाती है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए कि जब कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बाद कुछ नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़, मतलब हीट करने के बाद भी कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ हैं जो रह गई हैं, जो उनको हीट करने पर नहीं निकली, उनको हम फ्लक्स ऐड करने पे निकालते हैं बाहर, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं। फ्लक्स देखिए, इफ़ द कैल्सिंड और रोस्टेड ओर स्टिल कंटेन्स नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़, अगर कैल्सिन और रोस्टेड ओर में, यानी कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बाद ओर में कुछ नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़ रह गई हों अर्ली मैटर, देन ड्यूरिंग रिडक्शन एन एडिशनल सब्सटेंस कॉल्ड फ्लक्स इज एडेड, एक एडिशनल सब्सटेंस फ्लक्स जिसे हम बोल रहे हैं उसको हम ऐड करेंगे ओर में, फ्लक्स क्या करेगा, कंबाइन करेगा उस नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़ के साथ टू फॉर्म द फ्यूजिबल प्रोडक्ट लोन एज स्लैग, फ्लक्स उस नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़ के साथ कंबाइंड होकर एक फ्यूजिबल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा जिसे हम स्लैग बोलते हैं। देखिए जिसे नीचे लिखा भी है, नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़ प्लस फ्लक्स ऐड हो जाएगा, कंबाइंड होके फ्यूजिबल प्रोडक्ट बनाता है जिसे हम स्लैग बोलते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लक्स, अब फ्लक्स होते हैं टू टाइप्स के, एसिडिक फ्लक्स एंड बेसिक फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स कौन से हैं, जैसे आपका सैंड SiO2 एंड बोरेक्स Na2B4O7 10H2O, एंड बेसिक फ्लक्स कौन से हैं आपके, CaO लाइम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एंड MgCO3, एसिडिक फ्लक्स हैं और बेसिक फ्लक्स हैं। अब एसिडिक फ्लक्स कहाँ यूज़ होंगे, जहाँ पर बेसिक इम्प्योरिटीज़ होंगी, बेसिक नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़, और बेसिक फ्लक्स यूज़ होंगे एसिडिक इम्प्योरिटीज़ में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्टली, अब इफ़ द ओर कंटेन, अगर ओर में एसिडिक इम्प्योरिटीज़ हैं सच एस SiO2, ठीक है, ये SiO2 और P2O5 कैसी इम्प्योरिटीज़ हैं, एसिडिक है, एसिडिक इम्प्योरिटीज़ हैं, तो हम कौन सा फ्लक्स यूज़ करेंगे, बेसिक फ्लक्स, जो कि एग्जांपल मैंने आपको पीछे लिखा है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड भी कर सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी कर सकते हैं। तो एसिडिक इम्प्योरिटी SiO2 प्लस रिएक्ट विद या कंबाइंड विद बेसिक फ्लक्स CaO टू फॉर्म द कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट, दिस इज़ द फ्यूजिबल प्रोडक्ट एंड इट इज़ नोन एज स्लैग, स्लैग हम इसको बोलते हैं।
सेकेंड, इफ़ द ओर कंटेनिंग बेसिक इम्प्योरिटी, अगर हमारे ओर में बेसिक इम्प्योरिटी है तो हम एसिडिक फ्लक्स यूज़ करेंगे. एसिडिक फ्लक्स के एग्जाम्पल आपको मैंने बताए थे सैंड या फिर बोरेक्स. एसिडिक फ्लक्स में आपकी जो बेसिक इम्प्योरिटी होंगी जो वो रिएक्ट करेंगी सी ए ओ और एफ ई ओ, कैल्शियम ऑक्साइड और एफ ई ओ यानी कि फेरस ऑक्साइड. एफ ई ओ बेसिक इम्प्योरिटी है टू रिएक्ट विद द एसिडिक फ्लक्स टू फॉर्म द फेरस सिलिकेट एफ ई एस आई ओ थ्री. दिस इज़ द स्लैग और फ्यूजिबल प्रोडक्ट फॉर्म करता है. इस तरीके से हमारी जो नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़ रह गई होती हैं कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बाद, हम उसमें फ्लक्स ऐड करते हैं उस ओर में, और ये नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़ फ्यूजिबल प्रोडक्ट बनाती हैं जो कि स्लैग के वजह से अलग हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं हमारे ओर से. नेक्स्ट है आपका फर्स्ट प्रोसेस जिसमें हमने ऑक्सीडेशन कराना था, ठीक है, कि जो हमारा मेटल होता है उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कराना था. देन सेकेंड जो स्टेप था बी वाला, कन्वर्जन ऑफ द ऑक्साइड फॉर्म. अब ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद मेटल में कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड को, तो वो क्या होगा, रिडक्शन. ठीक है, कन्वर्जन ऑफ द ऑक्साइड ऑफ द मेटल ऑफ द मेटेलिक फॉर्म, दिस इज रिडक्शन. इसमें हम क्या करेंगे, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. अब मेटल का एक्सट्रैक्शन बाय हीटिंग, हीट करके द मेटल ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड हमारा बन चुका है, ये जो रोस्टिंग या कैल्सिनेशन से मेटल ऑक्साइड बनने के बाद हम उसको हीट करेंगे विद अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ. अब रिडक्शन है, उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट भी चाहिए होगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हम उसे हीट करेंगे तो हमारा हमें मेटल मिल जाएगा, क्रूड मेटल हम जिसे बोल रहे हैं, कॉल्ड थर्मल रिडक्शन. अब हीटिंग कर रहे हैं, बाई हीटिंग रिडक्शन हो रहा है, तो इसको हम बोल देते हैं थर्मल रिडक्शन. फॉर एग्जाम्पल, अब रिडक्शन में भी आपका बहुत सारे मेटल यूज होंगे. रिडक्शन विद कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑल्सो इज द सोडियम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम हाइड्रोजन, इन सब से हम रिडक्शन करा सकते हैं. सेल्फ रिडक्शन भी मैंने आपको बता दिया, वो सेल्फ रिडक्शन अपने ही आप से रिएक्ट करके सेल्फ रिडक्शन. और कुछ इंपॉर्टेंट मेटल के साथ ही मैं बताऊंगी आपको रिडक्शन इसका जो कि इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज़ रिडक्शन विद कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, किसके साथ, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है इस टाइम, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड. द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय रिडक्शन, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बाय द रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड. ऑक्साइड का रिडक्शन विद द कार्बन, कार्बन के साथ, कार्बन यानी कि उसमें रिड्यूसिंग एजेंट है और हम रिडक्शन कर रहे हैं ऑक्साइड का टू द मेटल, इज कॉल्ड स्मेल्टिंग. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्मेल्टिंग. इट्स कैरी आउट यानी कैरिड इट एट हाई टेम्परेचर. ये जो प्रोसेस होती है एट हाई टेम्परेचर अबव द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल, मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर इसको हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है विद द रिड्यूसिंग एजेंट या फिर कार्बन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड टू फॉर्म द मेटल. फॉर एग्जाम्पल जेड एन ओ, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद द कार्बन, कार्बन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, जेड एन प्लस सी ओ कार्बन मोनोऑक्साइड एन पी बी ओ. अगर लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करके पी बी हमारा मेटल और हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाता है. अगर वो उस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो उस केस में सी ओ टू रिमूव होती है, सी ओ टू रिलीज होती है. एफ ई टू ओ थ्री प्लस थ्री सी ओ टू एफ ई मेटल और प्लस सी ओ टू. ऐसे ही अगर हम जेड एन ओ जिंक ऑक्साइड लें कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो जिंक मेटल प्लस सी ओ टू रिलीज होगी. इफ़ द रिडक्शन बाय द एल्यूमिनियम, अगर रिडक्शन जो है, अभी हमने कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ पढ़ा रिडक्शन, अब अगर एल्यूमिनियम के साथ रिडक्शन, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो, एल्यूमिनियम, तो उस प्रोसेस को हम एल्यूमिनोथर्मी कहते हैं. तो मैनी ऑक्साइड लाइक सी आर टू ओ थ्री एम एन थ्री ओ फोर एफ ई टू ओ थ्री एटसेट्रा आर नॉट रिड्यूस बाय द कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. ये जो सी आर टू ओ थ्री है, क्रोमियम के ऑक्साइड्स हैं या मैगनीज के ऑक्साइड्स हैं या आयरन के ऑक्साइड्स हैं, इनको हम इजीली रिड्यूस नहीं कर सकते कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड से. देयरफॉर फिर इन मेटल ऑक्साइड को आर रिड्यूस बाय द स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल. इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से इनको रिड्यूस किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे एल्यूमिनियम एयर, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ द मेटल ऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ द एल्यूमिनियम. ये जो रिडक्शन की प्रोसेस है मेटल ऑक्साइड की, सपोज जैसे क्रोमियम के ऑक्साइड है, मैगनीज के ऑक्साइड है या फिर आयरन के ऑक्साइड है, इनको एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में या एल्यूमिनियम की हेल्प से, एल्यूमिनियम पाउडर की हेल्प से रिडक्शन कराते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं एल्यूमिनोथर्मी. फॉर एग्जाम्पल सी आर टू ओ थ्री प्लस टू ए एल,
ये क्रोमियम का ऑक्साइड है, टू एल्यूमिनियम यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, इसके ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा और क्रोमियम ऑक्साइड का रिडक्शन हो जाएगा CR, यानी CR क्रोमियम मेटल में प्लस Al2O3। ऐसे 3Mn3O4 है, मैग्नीज का ऑक्साइड है, टू रिएक्ट विद द एल्यूमिनियम पाउडर। एल्यूमिनियम क्या करेगा, इसके ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देगा और टू गिव द Mn यानी कि मैग्नीज मेटल एंड Al2O3। द अबव प्रोसेस इज कॉल्ड द गोल्ड स्मिथ थर्माइट प्रोसेस। इस प्रोसेस को जो हम एल्यूमिनोथर्मी प्रोसेस इसको बोल रहे हैं, इसको हम गोल्ड स्मिथ थर्माइट प्रोसेस भी बोलते हैं। एंड इन द केस ऑफ Fe2O3 यानी आयरन ऑक्साइड के केस में Fe2O3 प्लस रिएक्ट विद द एल्यूमिनियम पाउडर टू Al, ये एल्यूमिनियम पाउडर इसके ऑक्साइड को रिमूव कर देगा एंड रिड्यूस कर देगा Fe मेटल में टू Fe प्लस Al2O3। द मोल्टन आयरन प्रोड्यूस बाय, ये जो मोल्टन आयरन प्रोड्यूस हो रहा है थर्माइट प्रोसेस से, ये जो थर्माइट प्रोसेस हो रही है, कैन बी यूज्ड, इसको यूज़ किया जाता है वेल्ड ब्रोकन पार्ट, वेल्ड करने के लिए जो ब्रोकन पार्ट टूट जाते हैं हमारे हैवी मशीनरी पार्ट, ठीक है, जैसे आपका रेल है, गर्डर्स है, इन सब के पार्ट टूट जाते हैं, उनको वेल्ड करने के लिए इस मोल्टन आयरन का यूज़ किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द थर्माइट वेल्डिंग, वेल्डिंग करने में इसका यूज़ किया जाता है, इसलिए हमें थर्माइट वेल्डिंग भी इस प्रोसेस को कहते हैं। नेक्स्ट है, अभी हमने आपको 3 स्टेप्स पूरे बता दिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए। पहले हमने क्रशिंग करी थी, ठीक है, सेकेंड स्टेप में कंसंट्रेशन ऑफ ओर किया, जिसके लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज़ किए, हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड एंड लीचिंग, ये सारे कंसंट्रेशन ऑफ ओर थे, मतलब इसमें हम क्या कर रहे थे, इम्प्योरिटीज़ रिमूव कर रहे थे हमारे ओर से। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किया, ठीक है। फिर फोर्थ स्टेप में, अब हमें क्रूड मेटल तो हमारा मिल गया है थर्ड स्टेप से, क्रूड मेटल से अब हमें प्योर मेटल कैसे मिले, उसके लिए हम प्योरीफाइंग करते हैं, तो उसको हम रिफाइनिंग ऑफ मेटल कहते हैं। जो भी इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं थर्ड स्टेप या सेकेंड स्टेप में, उन इम्प्योरिटीज़ को हम इसमें रिमूव करते हैं, तो वही हो गया प्योरीफिकेशन बाय डिफरेंट डिफरेंट मैथड। द मेटल ऑब्टेंड बाई एनी ऑफ द अबव मैथड इज़ यूजअली इम्प्योर एंड इज़ नोन एज द क्रूड मेटल, कि जितने भी हमने मैथड से अपना मेटल ऑब्टेन किया है, यूजअली क्या होगा, वो थोड़ा बहुत तो इम्प्योर हो गई होगा, ठीक है, एंड इज़ नोन एज, इसी इम्प्योर मेटल को हमने क्या बोल दिया है, क्रूड मेटल। ये मान लीजिए कि आप 98-97% प्योरिटी वाला मेटल हमें मिलता है, यानी कि कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, मतलब 100% हमें नहीं मिलता थर्ड स्टेप के बाद, बाकी का जो ये रिफाइनिंग ऑफ मेटल होता है उसके बाद ही हमें 100% प्योर मेटल मिलता है। देयरफॉर द क्रूड मेटल इज़ टू बी प्योरीफाइड, इसीलिए हम क्रूड मेटल को प्योरीफाइड करते हैं। अब क्यों प्योरीफाइड करते हैं, कौन कौन सी ऐसी इम्प्योरिटीज़ है जो हमें इनको इनमें से रिमूव करनी होती है, द इम्प्योरिटीज़ मे बी इन द फॉर्म ऑफ, फर्स्ट इस फॉर्म में हो सकती है इम्प्योरिटीज़, अनरिड्यूस्ड ऑक्साइड ऑफ मेटल, जो हम अभी ऑक्साइड्स का रिडक्शन कर रहे थे, क्या पता कुछ ऑक्साइड्स ऐसे रह गए हों मेटल के जिनका रिडक्शन हुआ ही ना हो, ठीक है, तो इसमें हम उनका रिडक्शन या इनको रिमूव करते हैं, अनरिड्यूस्ड ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल, ये इम्प्योरिटी हो गई। सेकेंड, नॉन मेटल्स लाइक कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सारी इम्प्योरिटीज़, एंड फॉरेन मेटल, अदर कोई मेटल भी हो सकता है तो उसे हमने फॉरेन मेटल बोल दिया, वो भी इम्प्योरिटी हो गई। स्लैग और फ्लक्स, जो स्लैग और फ्लक्स हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा फ्लक्स यूज़ करने पे स्लैग बन रहा था, क्या पता वो थोड़ा बहुत रह गया हो, तो उसको भी हमें रिमूव करना है इन दिस प्योरीफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग द क्रूड मेटल, क्रूड मेटल को प्योरीफाइंग करने की प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, रिफाइनिंग। इसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड है यूज़ करेंगे रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल, क्रूड मेटल की रिफाइनिंग के लिए। फॉर फर्स्ट इज़ डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन प्रोसेस। सेकेंड इज़ लिक्वेशन, LIQUATION, लिक्वेशन। थर्ड वन इज़ द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। फोर्थ वन इज़ जोन रिफाइनिंग, एंड फिफ्थ वन इज़ वेपर फेज रिफाइनिंग, एंड लास्ट वन इज़ द वैन आर्कल मेथड। ये सारे मेथड हम यूज़ करेंगे किसमें, प्योरीफिकेशन ऑफ द क्रूड मेटल, ऑप्टेनिंग प्योर मेटल, ठीक है, क्रूड मेटल की प्योरीफिकेशन के लिए या फिर रिफाइनिंग के लिए यूज़ करेंगे, और उससे हमें प्योर मेटल, 100% प्योर मेटल मिलता है लास्ट में इस स्टेप के बाद। और ये सारे स्टेप हम अगले टर्न पे ही इसको डिस्कस करेंगे, बाकी इतने में से आपको कुछ ना आया हो समझ में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।